हेलो दोस्तों, कैसे होंगे? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में पढ़ाई करते होंगे। आज हम आप सबों से बात करने के लिए आया हूँ, बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे आपके लिए। हम बहुत जल्द ही एक नई कोचिंग सेंटर देने जा रहे हैं और क्लास 6 to 12 मतलब कक्षा 6 से लेकर 12 तक, उसके बाद मॉडर्न पब्लिक स्कूल मॉडर्न स्टडी सेंटर से बुनियादपुर स्कूल रहियार रोड बुनियादपुर स्कूल जो है उसके निकट होगा मॉडर्न पब्लिक स्कूल और मॉडर्न स्टडी सेंटर। और बहुत जल्द अप्रैल माह में किसी भी दिन इनका ओपनिंग करेंगे हम, और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। साथ ही कॉन्वेंट भी होगा, इनमें एक से एक शिक्षक होंगे योग। और जो हमारी क्लास 10वीं तक का पढ़ाई है वो तो चलेगा ही, इंटर में साइंस आर्ट दोनों फैकल्टी रहेंगे, साइंस सब्जेक्ट और आर्ट सब्जेक्ट दोनों फैकल्टी रहेंगे। साइंस के भी अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे और आर्ट में भी अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे, जैसा कि आप बैनर पोस्टर में देखे हैं। और अन्य शिक्षक को भी ऐड किया जाएगा जिनका नाम हम ऐड कर देंगे बैनर के माध्यम से। और अभी हमारे पास शिक्षक हमारे, मैं तो खुद हूँ मैथ फैकल्टी से, उसके बाद हमारे शिक्षक मंजेश सर है, चेयरमैन है, उसके बाद प्रिंसिपल मनोहर सर जी हैं आप जानते हैं, उसके बाद होरिल सर हैं, और जो मनोहर सर आपको मालूम है कि MA किए हुए हैं, हम खुद BSc किए हुए हैं और अभी BSc कर रहे हैं मंजेश सर भी, होरिल सर इंटर किए हुए हैं और बहुत ही अनुभवी शिक्षक है, बहुत पुराने शिक्षक है, उस समय की है, हमें बचपन में उन्होंने पढ़ाया है। तो उनका सब्जेक्ट है संस्कृत, 10वीं में बच्चे में पढ़ाते हैं, उसके बाद हिंदी भी पढ़ा लेते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, प्रचार का एक ही माध्यम है, हम यूट्यूब के माध्यम से हम जो हमारे ग्रामीण इलाका में समस्तीपुर बिहार लक्ष्मीनिया गांव नाम से जानते होंगे, यहाँ पर इनका ब्रांच है और आप आ सकते हैं, सादर आमंत्रित है। अब कौन सा दिन होगा, कौन सा डेट होगा, ये हम बता देंगे आपको, ठीक है? तो मॉडर्न स्टडी सेंटर मॉडर्न पब्लिक स्कूल के नाम से हम ओपनिंग करने जा रहे हैं और साइंस एंड आर्ट फैकल्टी दोनों फैकल्टी करेंगे। बच्चों अपना ज़िंदगी को बर्बाद ना करें किसी कम ज्ञान वाले शिक्षक के चक्कर में पढ़कर, डेमो के चक्कर में पढ़कर, आप योग्य शिक्षक से पढ़ें जो खुद पढ़ के आए हैं, चाहे वो जहाँ से हो बाहर से, कंपटीशन के बारे में जानते हैं, उन्हीं शिक्षक के पास पढ़े। और पुराने दौर में कुछ और था, अभी का दौर एग्ज़ाम का कुछ और हो चुका है। मैं छोटी सी बात करता था, वो कंपटीशन की बात हो चाहे अभी की एग्ज़ाम की बात, देख लीजिए क्लास 10th का एग्ज़ाम हो रहा है और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, इन सब बातों को देखते हुए उन शिक्षक के पास पढ़े जिनके पास सारी चीज़ की व्यवस्था है। आजकल बैनर पर कुछ कुछ लिख लेते हैं, हमारे पास हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, फलना चिलना, कोई सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं, झूठी लिखे हुए रहते हैं बैनर पोस्टर वाले, आप देख सकते हैं। और मेरे यहाँ जो है सच के सिवा कुछ नहीं होगा। तो आप अपने बच्चे के, यदि कोई माता पिता देख रहे हैं इन वीडियो को, तो अपने बच्चे को योग शिक्षक के पास भेजे, जिनके पास सारे ज्ञान है उन्हीं के पास भेजे, अन्यथा कहीं अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए ना छोड़ दें। और शायद आपके बच्चे के भविष्य के लिए मॉडर्न स्टडी सेंटर खड़े उतरें और इंटर का रिजल्ट देखवे किए। हमारे यहाँ जो भी छात्र पढ़ते थे, छात्राएं पढ़ते थे, सारे बच्चे का फर्स्ट डिवीज़न है और क्लास 10th का रिजल्ट 2 दिन में आ ही रहे हैं, तो आप क्लास 10th का भी रिजल्ट देख लीजिएगा। एक भी बच्चा सेकेंड डिवीज़न की नाम नहीं है, वो भी 370 प्लस है सबका नंबर। और हम तो कम ही दिन पढ़ाए, मात्र 6 महीना पढ़ाए और 370 हाईएस्ट मार्क मेरी कोचिंग में गया है, मात्र 5 या 6 महीना, बच्चा से पूछ लीजिएगा। और जब हम 11वीं 12वीं पढ़ाते तो कितना मार्क्स उठते, तो ये तो समय बताएंगे आने वाले दिनों में।
और क्लास दसवीं का भी रिजल्ट आएगा, हम शेयर कर देंगे, आप फेसबुक पर देख सकते हैं, फलना यूट्यूब रिसर्च कर सकते हैं, हम मार्कशीट दिखाएंगे आपको लाइव। इसीलिए अपने बच्चे की ज़िंदगी में एक अच्छे शिक्षक को पास सौंपिए, कहीं नहीं दे दीजिए। हम नहीं कहते कि मेरे पास भेजिए अपने बच्चे को, आप पहले देख लीजिए, जान लीजिए कि मैं सक्षम हूँ आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए, तभी आप मेरे पास भेजिएगा, अन्यथा नहीं भेजिए मेरे पास बच्चों को। इसीलिए हम एक ही चीज़ हर गार्जियन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने बच्चे को आप एक योग्य शिक्षक के पास भेजिए, क्योंकि शिक्षक ही आपके बच्चे के भविष्य को निर्माण कर निर्माण दाता है। जैसे एक राजमिस्त्री मकान का निर्माण करता है, उसी तरह एक शिक्षक बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। तो आप जो है उन शिक्षकों के पास दीजिए जिनके पास ये सारे गुण हो, और किसी के कहे सुने पर नहीं काम करना, सुनना है सबका और करना है चुपचाप अपने मन से, सुनना सबका है करना अपने मन से। इसलिए बच्चों, अब बच्चों से भी खास करके रिक्वेस्ट है कि बहकावे में न आवे किसी शिक्षक के, और अपना डिसीजन बदल ले ले लें, और आप हम पे बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, हम आपकी सफलता को एक आध सफल जीवन सजते हैं अच्छे गुरु के दस्तक से। मतलब सफल जीवन जो है ना सजता है गहने से नहीं, एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शक से, दस्तक से। वो हमने कहा कि मेरे पास है, वो आके आप क्लासरूम में बैठ के देख लीजिए। मेरा नाम शिवनाथ कुमार है, आप आके देख लीजिएगा कि सही में है कि नहीं। तो बहुत जल्द आपके लिए आ रहे हैं हमारी टीम, शिवनाथ सर, मंजेश सर, मनोहर सर, होरिल सर आपके बीच आ रहे हैं। बुनियादपुर स्कूल के बगल में आपके लिए कोचिंग का ओपनिंग करेंगे अप्रैल माह में, किसी भी दिन मॉडर्न स्टडी सेंटर और मॉडर्न पब्लिक स्कूल के नाम से, और तहलका मचाएंगे पूरे बिहार राज्य में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।